दोस्तों आईपीएल 2024 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कई सारे खिलाड़ियों को खरीदा, लेकिन अभी बैक टू बैक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दो खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें से एक खिलाड़ी पहले भी केकेआर टीम की तरफ से खेल चुका है। और न सिर्फ उन्होंने खेला है बल्कि 2014 के आईपीएल में केकेआर की टीम को अपनी जानदार बल्लेबाजी से चैंपियन भी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पहले मनीष पांडे को उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपये में खरीदा है और मनीष पांडे की केकेआर की टीम में वापसी हो चुकी है। आप सभी को बता दें कि आईपीएल में इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जिसमें दोस्तों इन्होंने कुल 170 आईपीएल मैच खेले हैं और 29.07 के एवरेज और 120.97 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3,808 रन बनाए हैं। मनीष पांडे काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि पिछले कुछ समय से इनकी फॉर्म में लगातार गिरावट आई है, लेकिन गौतम गंभीर की निगरानी में मनीष पांडे फॉर्म में वापसी कर सकते हैं और केकेआर के टीम को इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अफगानिस्तान के खतरनाक स्पिन गेंदबाज मुजीबुर रहमान को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। मुजीबुर रहमान बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं और केकेआर की टीम को इनका फ़ायदा मिलने वाला है। आप सभी को बता दें कि मुजीबुर रहमान पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए खास कर से जाने जाते हैं और खूब सारे विकेट चटकाते हैं। T20 कैरियर में इन्होंने 43 मैच खेले हैं और 6.28 के बेहतरीन इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 56 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने ये आखिरी में काफी बेहतरीन दांवबाजी मारी है और इन दो खिलाड़ियों को खरीद कर अपने खेमे में शामिल किया है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये दोनों खिलाड़ी कैसे लगे, अपनी राय हमें नीचे जरूर दें।